लेकिन आरएसएस से जुड़े लोग जब इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ बात है, कि संघ में भी इस बात की नाराजगी है कि अजित पवार को लाने की जरूरत क्या थी। मिश्रा जी, क्या आरएसएस के अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट काम कर सकती है? क्या आरएसएस के, मेरे एक बहुत प्यारे मित्र थे जी, वो पिछले साल उनकी डेथ हो गई, वो बहुत मतलब ऊंचे लेवल के जर्नलिस्ट भी थे और उनका डायरेक्ट संबंध था, अशोक सिंघल के वो जीजा था और बाकी और औरों कई पार्टियों का वो बाकायदा अपने क्या कहते हैं स्पोक्स पर्सन भी रहा। उससे मैंने पूछा था, मैंने कहा कि अगर आरएसएस चाहे कि मोदी, वो एक वाइट पेपर ले आए और कहे मोदी को इस पर दस्तखत कर दे, वो कह रहा था कि आरएसएस अगर चाहे तो कोई भी आदमी ना नहीं कर सकता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो कुछ हो। आपको क्या लगता है, मैं आपसे पर्टिकुलरली ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आरएसएस नाराज होती है मोदी गवर्नमेंट से तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मोदी और बीजेपी पार्टी पर? सिर्फ इतना ही। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स जो चल रही है, आइडियोलॉजिकल जो रिलेशंस हैं दोनों में वो सेम रहेंगे, वो एक ही पटरी पे रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स अगर देखा जाए स्थान विशेष और समय विशेष को देखते हुए, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के ऊपर आरएसएस का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है या बीजेपी हर एक चीज को आंख मूंद करके माने ही माने। तो बीजेपी जो है उनके पास एक सेल्फ सफिशियंट सिस्टम डेफिनेटली है, जो कि कैंपेन को, इलेक्शन को या करंट पॉलिटिक्स को कैसे मैनेज किया जाए वो उस चीज को एनालाइज करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी स्ट्रेटजी को। कोई वैल्यू एडिशन है उसको मानना या ना मानना, ये बीजेपी के अपने जो डिपार्टमेंट है, जो लोग कैंपेन करते हैं, इलेक्शन मैनेज करते हैं। ऐसा बोलना कि जो आरएसएस ने बोल दिया वही 100% इमीडिएट कर देना, इतना बड़ा जो है प्रेशर आरएसएस का बीजेपी के ऊपर नहीं है। आपको पता है कि 18 साल की उम्र से जब तक मोदी साहब नहीं बने चीफ मिनिस्टर गुजरात के, वो आरएसएस के प्रचारक थे और उन्होंने अपनी सारी लाइफ जो है वो आरएसएस को दे दी, बल्कि शादी करने के बाद इमीडिएटली जी वाइफ को छोड़ के वो आरएसएस में चले गए और वहाँ पर जाके अहमदाबाद में, गुजरात में जहाँ भी इनका था, वहाँ पर जाके वो बाकायदा वैसे ही काम करते थे जैसे वर्कर करते हैं और बाद में वो चीफ मिनिस्टर बनाए गए। क्या जिन्होंने अपनी लाइफ आरएसएस के नाम कर दी थी वो आरएसएस के अगेंस्ट जा सकते हैं? आरएसएस के नाम अपनी लाइफ किसी भी स्वयंसेवक ने इसलिए की थी, स्पेशली मोदी जी, लक्ष्य तो एक ही था कि हमारी सत्ता बने, और आरएसएस और उसके उद्देश्यों की पूर्ति, उसकी आइडियोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा जब तक सत्ता बनी रहेगी। सत्ता नहीं रहेगी तो केवल आइडियोलॉजी रह करके रह जाएगी। सत्ता बने रहने के लिए अगर कोई भी चीज एक लिमिट में, एक इथिक्स या इथिकल वे में करना होगा तो उसको प्रायोरिटी सब लोग देंगे, चाहे मोदी जी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो। तो ये बोलना कि अब भाई आरएसएस की आइडियोलॉजी अगर है नहीं जी, सब लोग रिजाइन कर दो चाहे सत्ता रहे या ना रहे, वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में वो पॉसिबल नहीं है। मैंने इसीलिए बोला कि ऐसा नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई आरएसएस बोले कोरे कागज पे मोदी जी साइन कर दो, तो इतना बड़ा जो है कहीं पे कोई त्याग जो है नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सत्ता रहेगी तो आरएसएस की आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट होगे, आरएसएस के जितने भी बहुत सारे जो है जो फिलोसॉफिकल वर्क है जो इनको अचीव करना है, जैसे धारा 370 हटाना, आरएसएस जब बनी थी तब से उनका मुद्दा था, राम मंदिर बनना ये उनका मुद्दा था, अभी यूसीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ये उनका मुद्दा था, तो इसके लिए तो सत्ता चाहिए ना। तो सत्ता के साथ कोई कंप्रोमाइज ना आरएसएस करेगी ना बीजेपी करेगी, वो बनी रहनी चाहिए। क्रिटिसिज्म करना, कुछ बोलना, ये नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, विचार देना, वो एक डिफरेंट चीज है।